मिलियो हाइपो गैस्ट्रिक नर्व। देखिए इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के बारे में आपको एक बात का पता होना चाहिए कि इस नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो T12 से लेकर L1 तक होती है। कितनी होती है? T12 से लेकर L1 तक इसकी रूट वैल्यू होती है। उसके बाद ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मुझे कोई बंदा बता सकता है कि हाइपोगैस्ट्रिक जो एरिया होता है वो कौन सा होता है? हाइपोगैस्ट्रिक एरिया जो होता है वो कौन सा होता है, यानी कि जो स्टोमिक से जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक एरिया। तो स्टोमिक से जो स्टोमिक से नीचे वाला एरिया उसको हम हाइपोगैस्ट्रिक एरिया कहते हैं। इस हाइपोगैस्ट्रिक एरिया का एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक एरिया भी। क्या कहते हैं? एक तरह का सुप्रा प्यूबिक एरिया भी। तो इस बात से हमें एक बात का तो पता चल रहा है कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है एक तो आपके एक तरह के हाइपोगैस्ट्रिक एरिया के हाइपोगैस्ट्रिक एरिया जो है उसको सप्लाई करता होगा, ठीक है, जो कि आपका सुप्रा प्यूबिक एरिया होता है उसको हम हाइपोगैस्ट्रिक एरिया कहते होते हैं, उस एरिया को सप्लाई करता होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चला तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब आपके ये क्वाड्रेंट्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, तो आपको पता है कि जहां पर आपका ये ब्लैडर होता है ना, ये हिस्सा जहां पर आपका ये ब्लैडर है, ठीक है, ये ब्लैडर हो गया, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते होते हैं हाइपोगैस्ट्रिक एरिया। यहाँ पर आपका एक तरह का स्टोमिक हो गया, ये नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम हाइपोगैस्ट्रिक एरिया के तौर पर लेते हैं। तो ये नर्व एक तो आपके हाइपोगैस्ट्रिक एरिया को सप्लाई करती होगी, और हाइपोगैस्ट्रिक एरिया का दूसरा नाम भी होता है, इस एरिया को सुप्रा प्यूबिक एरिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे आपका प्यूबिक एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि सुप्रा प्यूबिक, सुप्रा प्यूबिक का मतलब है कि प्यूबिक एरिया के ऊपर। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो कि जो आपकी हीलियो हाइपोगैस्ट्रिक एरिया नर्व होती है वो क्या काम करती होती है? हीलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो हीलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो होती है वो सुप्रा प्यूबिक एरिया को सप्लाई करती है, सुप्रा प्यूबिक एरिया को सप्लाई करती है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो होती है ये जनाब आपके ट्रांसवर्स जो मसल्स होते हैं ना, एब्डोमिनस के मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस मसल्स और इंटरनल ओब्लीक मसल, एब्डोमिन के आपके चार मसल होते हैं बेटो, इन चार एब्डोमिन के मसल्स के अंदर से आपके जो दो एब्डोमिन के मसल्स होते हैं इनको आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है। कौन कौन सी? ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस एक इसको सप्लाई करती होती है, और दूसरा जिसको ये सप्लाई करती होती है उसको हम कहते होते हैं इंटरनल ओब्लीक मसल। दूसरे का नाम क्या होता है? एक तरह का इंटरनल ओब्लीक मसल। तो ये जनाब आपके दो तरह के मसल को सप्लाई करती है, ये आपने बताना है, ठीक है। अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी जनाब, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ कि आप 45 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट टू यू आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी विद बर्निंग, विद बर्निंग एंड टिंगलिंग पेन इन सर्जिकल इंसिजन, इन सर्जिकल इंसिजन रेडिएटिंग टू इंग्वाइनल एंड सुप्रा प्यूबिक रीजन, सुप्रा प्यूबिक रीजन, विच ऑफ फॉलोइंग नर्व इज इन्वॉल्व। अब ये क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन लिखने का जो मकसद था वो क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के बारे में क्वेश्चन जो आता है वो बहुत कम आता है, इतना कोई खास नहीं आता, लेकिन फिर भी जो आएगा उसके बारे में जो चीजें आपने याद रखनी है वो ये वाली ही है कि देखें यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अ 45 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट टू यू आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है। तो ये वाले जो पेशेंट होते हैं ना, इनके इस पेशेंट के अंदर ऐसे पेशेंट होते हैं
जिनके अंदर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की लीजन होती है, ये जिनके अंदर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व होती है वो पेशेंट जिनके अंदर एब्डोमिनल सर्जरी हुई होती है। तो आपने एक बात तो इस क्वेश्चन के अंदर एक नोट करनी है, एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है कि मोस्टली मोर देन 90% जो पेशेंट होते हैं उनकी कोई ना कोई एब्डोमिनल सर्जरी होती है, इस वजह से उसकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व होती है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद, ठीक हो गया। अब देखें कि ये जनाब क्या कह रहा है कि विद बर्निंग एंड टिंगलिंग पेन इन सर्जिकल एनेस्थीसिया, यानी कि यहाँ पर उसने सर्जरी की थी उधर से पेन स्टार्ट है और ये पेन सुप्रा प्यूबिक रीजन पर जा रही है। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर सुप्रा प्यूबिक रीजन और इंग्वाइनल इंग्वाइनल रीजन आ जाए तो आपने क्या कहना है, इसके अंदर जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व होती है। तो आपने कहना है कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो होती है इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो T12 से लेकर L1 होती है, ये आपके सुप्रा प्यूबिक रीजन को जो होती है उसको सप्लाई करती होती है, नंबर वन। उसके बाद ये इसी एक तरह के आपके दो तरह के मसल्स होते हैं उनको भी सप्लाई करती है। कौन से दो तरह के मसल्स हैं, एक ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस होता है, एक इंटरनल ओब्लिक मसल होता है इसको, और इसकी कॉज क्या होती है, वो एब्डोमिनल सर्जरी होती है इसकी कॉज लीजन की। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये इंजरी हो जाए, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा, तो इसके अंदर सुप्रा प्यूबिक रीजन या फिर आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन ये इन्वॉल्व होगा, साथ आपका इंग्वाइनल रीजन इन्वॉल्व होगा, तो ये आपने बतानी है जी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट और आगे वाली नर्व देखते हैं कि आगे वाली नर्व कौन सी होती हैं। आगे वाली जो नर्व हैं जो मतलब कि पूछी जा सकती हैं, ये कॉमन नर्व्स हैं, इसमें से क्वेश्चंस के चांसेस जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारी की सारी नर्व्स जो हैं इसमें से क्वेश्चन के चांसेस तकरीबन कम ही हैं, इतने वो हाई वाले नहीं है, लेकिन जो जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है मैं वो भी बता दूंगा, उसके साथ में पिक्चर्स और ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो नर्व डिस्कस करने लगे हैं वो है जेनिटो फीमोरल नर्व, जेनिटो फीमोरल नर्व, ठीक है। सबसे पहले जेनिटो फीमोरल नर्व से एक बात का तो पता चल रहा है कि यार ये जो नर्व होती है वो जनाब आपके जेनिटल एरिया को सप्लाई करती होती है, किसको सप्लाई करती है, आपके जेनिटल एरिया को सप्लाई करती है। तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इस नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है L1 से लेकर L2, ठीक है, आपने ये बात करनी है। उसके बाद आपने ये कहना है कि जेनिटल एरिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो मेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये सक्रोटम को सप्लाई करती है, ठीक है, फीमेल के अंदर ये आपके लेबिया माइनोरा और लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा को सप्लाई करती हैं। मोस्ट कॉमन जो होती है वो लेबिया मेजोरा को सप्लाई करती होती हैं, एक इसको, ठीक है, इसकी सेंसरी सेंसेशन देती हैं, और इसके साथ साथ आपकी मीडियल थाई को भी देती हैं, मीडियल थाई को भी सेंसेशन देती हैं ये, और जो मोटर सेंसेशन होती हैं वो आपके क्रिमेस्ट्रिक मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती होती हैं। इनको सप्लाई करती हैं आपकी एक तरह के क्रिमेस्ट्रिक मसल्स, ये किसको सप्लाई करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब ये आपकी क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल क्रीमेस्ट्रिक मसल्स, यहां पर आपकी मोटर सेंसेशन होती है। अच्छा आपको ना ये एक तरह का इस मसल्स का काम क्या होता है, ठीक है, एंटीरियर नहीं होता इसमें, मीडियल मेन होएगा, एंटीरियर थाई फीमोरल होती है मेन, ठीक है, वो फीमोरल होती है मेन। अब देखें क्रीमेस्ट्रिक मसल्स का काम क्या होता है, क्रीमेस्ट्रिक मसल्स का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो ये आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं ना, मतलब के ये मसल्स आपके स्पर्मेटिक यानी कि स्पर्मेटिक कोर्स के होते हैं और ये टेस्टिकल्स को थोड़ा सा रेज करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठा कर रखते होते हैं, ठीक है। तो उमर तुम्हारा माइक ऑन है, इसको ना एक तरह का ऑफ कर दो। तो इनका काम क्या होता है कि ये जनाब आपके टेस्टिकल को, क्रीमेस्ट्रिक मसल्स क्या काम करते हैं, टेस्टिकल को एक तरह का रेज करते होते हैं, ठीक है। अब देखें ये इनका काम ये होता है कि टेस्टिकल्स को थोड़ा सा उठा के रखना, ठीक है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल, और इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है क्योंकि ये एक तरह का आपके कोई ट्रॉमा वगैरह से उससे भी बचाते होते हैं, ठीक है, और बॉडी के टेम्परेचर को, जो टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर होता है उसको भी ये मेंटेन करने में हेल्प करते होते हैं जो क्रीमेस्ट्रिक मसल्स होते हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात देखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जेनिटो फीमोरल नर्व इन्वॉल्व होती है तो फिर क्या होगा, इसके अंदर क्वेश्चन आता कैसे, मैं एक ये आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। आप 35-year-old obese person present to you after laparoscopic surgery
आफ्टर लैप्रोस्कोपिकल सर्जरी एंड दिस पर्सन हैव लो सेंसेशन ऑन अपर मीडियल थाई, ऑन अपर मीडियल थाई एंड ऑल्सो एबसेंट ऑफ प्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, विच ऑफ फॉलोइंग नर्व इज इन्वॉल्व। ये वाला जो प्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स है ना, जब भी क्वेश्चन आता है ना, मोर देन 90% जो एग्जामिनर होता है ना, वो प्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स का जिक्र करता है, मोर देन 90%। तो आपने इस बात को अपने माइंड में लाजमी रखना है कि मैं कह रहा हूँ कि मोर देन 90% जो होता है ये जनाब आपका एक तरह का, मतलब के एक तरह का ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल प्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो होता है इसका काम क्या होता है, और प्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स है क्या। देखें क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स जो होता है ये एक तरह का, जब हम ना जैसे ही जो मीडियल थाई होती है ना, जैसे ही मीडियल थाई के ऊपर कोई चीज, आप मीडियल थाई के ऊपर एक हैमर होता है ना जैसे किसी बंदे के पास, तो उसके उसके साथ आप एक तरह का स्ट्रोक करो ना, स्ट्रोक करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप उसके ऊपर मारते हो, ठीक है। आपने या कोई इस तरह करे कि आप कोई चीज पकड़ी और क्या किया कि आपने मीडियल थाई की तरफ आपने उसके ऊपर इस तरह मारा, मीडियल थाई के ऊपर कौन सा हिस्सा, मतलब कि अपर मीडियल थाई, जब आप उधर उसके ऊपर मारेंगे ना तो जो टेस्टिकल्स होंगे ना वो ऊपर की तरफ रेज होंगे, ठीक है। टेस्टिकल्स क्या होंगे, एक तरह के ऊपर की तरफ रेज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि ये अगर एक तरह की थाई है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करें कि ये वाला थाई है और ये जनाब आपका ये इधर थाई है, ठीक है, और ये जनाब एक तरह का मीडियल पार्ट है, ठीक है, और ये जनाब मीडियल थाई वाला। अगर यहाँ पर कोई भी यानी कि हैमर या किसी चीज के साथ यहाँ पर स्ट्रोकिंग करते हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पर करेंगे तो जो टेस्टिकल्स अपनी नॉर्मल पोजिशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको हम कहते हैं क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होती है वो क्या काम करती थी, ये आपकी मीडियल थाई को सप्लाई करती थी ना, ठीक है, इस वजह से हमने मीडियल थाई के ऊपर एक तरह का मतलब के उसको स्ट्रोक किया था। अब देखें, जस्ट इमेजिन करें कि अगर किसी बंदे को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई होती है और उसके अंदर एक तरह का जेनिटो फिमोरल नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाए, जब इसके अंदर जेनिटो फिमोरल नर्व डैमेज हो जाएगी तो फिर क्या ये जो सेंसेशन जब इसके ऊपर आप मारेंगे तो क्या ये जो आपके जो टेस्टिकल्स होंगे ये ऊपर की तरफ रेज होंगे, टेस्टिकल्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ रेज नहीं होंगे, और जब टेस्टिकल्स ऊपर की तरफ रेज नहीं होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो एक तरह का एबसेंट है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं है बंदा पूछ सकता है, शाबाश यानी बन गई। जेनिटो फिमोरल नर्व के अंदर से कुछ ऐसा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो, देखें मैं ये कह रहा हूं कि ओके ओके मैं दोबारा बता, मैं ये कह रहा हूं कि देखें जब आप मीडियल थाई के ऊपर एक पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, आपको पता है कि जेनिटो फिमोरल नर्व जो होती है वो अपर मीडियल थाई को सप्लाई करती होती है, और आपने क्या किया, आपने अपर मीडियल थाई के ऊपर एक तरह का स्ट्राइक किया किसी चीज के साथ, ठीक है। जब आप किसी चीज के साथ स्ट्राइक करते हो तो टेस्टिकल्स जो होते हैं वो नॉर्मल बंदे में खुद ब खुद क्या होते हैं, ऊपर की तरफ थोड़े से रेज होते हैं, मतलब थोड़ा सा रिफ्लेक्स होता है। लेकिन अगर ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर जेनिटो फिमोरल नर्व जो है वो लीजन हो जाए, जब हम यहाँ पर कोई चीज मारेंगे ना, ठीक है, वो हैमर मारे या कोई चीज स्ट्राइक करे, तो जो टेस्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ रेज नहीं होंगे, जब टेस्टिकल्स ऊपर की तरफ रेज नहीं होंगे तो इसको हम कहते होते हैं प्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो नेगेटिव है। यही क्वेश्चन सेम इस तरह आता होता है, ये लिख लीजिएगा, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन साथ साथ आप लोगों को बताता जाता हूँ, क्लियर है। ओके जी, अब हम आते हैं जनाब आपकी नेक्स्ट नर्व की तरफ, उस नर्व का नाम है ऑब्टूरेटर नर्व। ऑब्टूरेटर नर्व क्या होती है, ठीक है, ऑब्टूरेटर नर्व का, ऑब्टूरेटर नर्व देखिए, ऑब्टूरेटर नर्व के बारे में आप लोगों को सबसे पहले जो मेन बात का पता होना चाहिए वो ये है कि ये मीडियल थाई को सप्लाई करती होती है। किसको सप्लाई करती है, आपकी एक तरह की मीडियल थाई को। तो आपने कहना है कि जब हम सेंसरी की बात करते हैं तो ये जनाब आपकी मीडियल थाई को सेंसेशन देती है, मीडियल थाई को सेंसेशन देती है,
उसके बाद मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि हाँ जी जनाब, ये मोटर कौन कौन से मसल को सप्लाई करती थी आपकी, ऑपरेटर नर्व। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, शाबाश बताइए जी, ऑपरेटर जो नर्व होती है ये आपके कौन से मसल्स को सप्लाई करती होती है? शाबाश, थोड़ा सा सोच के बताएं। तो आपने कहना है कि जिस मसल्स को ये सप्लाई करती होती है उसके अंदर आता है एक तरह का अडुक्टर लॉन्गस। अडुक्टर आपने बताना है, अडुक्टर लॉन्गस, उसके बाद ब्रेविस, उसके बाद मैग्नस, तीनों ये करती है। उसके बाद आपका मतलब कि आपने कहना है कि एक तरह का लॉन्गोस ब्रेविस मैग्नस का कुछ हिस्सा, मतलब के बैक्टीनियस का, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट, यानी के ये इन और अपोरेटर एक्सटर्नस, अपोरेटर मसल को भी ये सप्लाई करती होती है, ये इनको सप्लाई करती है। अब आपने ना मतलब के ये इनका काम क्या होता है, अपोरेटर नर्व का? अपोरेटर नर्व का जो काम होता है वो ये होता है कि थाई को मीडियल रोटेट करना, यानी कि जब हम टांग को, आप खुद देखें कि फॉर एग्जाम्पल जब आप जस्ट ऐसे इस टाइम बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने अपनी जो राइट टांग है ना उसको इस तरह करना है कि आपने अपनी लेफ्ट जो मतलब टांग उसके ऊपर रख दें, ठीक है। जब आप इस तरह करेंगे तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी जो थाई है वो अंदर की तरफ रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही? शाबाश, हाँ जी। जब आप एक अपनी टांग दूसरी टांग के ऊपर रखेंगे तो जो आपकी जो टांग होगी वो अंदर की तरफ रोटेट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो इसका काम यही होता है कि ये जनाब आपकी एक तरह की अडुक्शन करवाता है। क्या करवाता है? एक तरह के अडुक्शन करवाता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम जनाब इसके तरह में अडुक्शन ऑफ थाई, अडुक्शन ऑफ थाई, ठीक है। तो आपने कहना है कि इसका काम क्या होता है, अडुक्शन ऑफ, अडुक्शन ऑफ थाई। तो मेन ये सिंपल सी बात है और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखें कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम इस तरह कह देते हैं कि हाँ जी जनाब, आप 35 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट आफ्टर पेल्विक सर्जरी, सर्जरी, पैल्विक सर्जरी, शी हैज कंप्लेंट ऑफ लो थाई सेंसेशन एंड अडुक्शन, एंड अडुक्शन ऑफ थाई, लो मीडियल थाई सेंसेशन लिखा है यहाँ पर, मीडियल एंड अडुक्शन ऑफ थाई। विच ऑफ फॉलोइंग नर्व इज इन्वॉल्व? तो आपने क्या कहना है, ये जो नर्व इन्वॉल्व है वो आपकी एक तरह की अपोरेटर नर्व है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, शाबाश एनीवन, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो? और अपोरेटर नर्व के अंदर इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो होती है L2, L3 और L4, L2 से लेकर L4 तक होती है इसकी रूट वैल्यू, ठीक है। तो आपने ये बताना बच्चों। अब हम आ जाते हैं जनाब आपका आगे, और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे वाली जो नर्व है वो कौन सी है। आगे जिस नर्व को हम डिस्कस करेंगे वो नर्व है आपकी एक तरह की फिमोरल नर्व। लेकिन फिमोरल नर्व की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को जनाब साथ ही कुछ पिक्चर्स की तरफ लेकर जाता हूँ, ताकि आप लोगों का ये पोर्शन इस तरह क्लियर इजीली हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा ये देखें फीमोरल नर्व का काम क्या होता है, ये पिक्चर सही तरह नहीं है, चलो। अच्छा आपने इस तरह देखना है कि ये है जनाब आपकी फीमोरल नर्व, और इस फीमोरल नर्व के अंदर होता क्या है। अब आपने ना जो फीमोरल नर्व होती है, आपने ये कहना है कि ये फीमोरल नर्व आपके एक तरह के एंटीरियर थाई और मीडियल लेग को सप्लाई करती है। बच्चों थाई और लेग में क्या फर्क है, ये ऊपर वाली थाई होती है और ये नीचे वाली जो होती है ये लेग होती है, ये वाला हिस्सा लेग का है, समझ आ रही, ये लेग का है। बात को समझे कि नहीं समझे? अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जाम्पल ये एंटीरियर हिस्सा है इसका कि नहीं है, ये वाला जो हिस्सा है ये इसका एंटीरियर है कि नहीं है, ये एंटीरियर थाई को सप्लाई कर रही है। हाँ जी खुद देखें, एंटीरियर थाई को सप्लाई कर रही है और उसके बाद ये लेग के मीडियल नहीं जा रही, अंदर की तरफ नहीं जा रही। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब, ये एंटीरियर थाई और उसके बाद ये किसको सप्लाई करती होती है, मीडियल लेग को सप्लाई करती होती है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये आपके कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती है, आपने कहना है कि जो फीमोरल नर्व होती है
वो जनाब आपके क्वाड्रिसिप मसल को सप्लाई करती है। मैंने बताया था कि हाँ जी जनाब फीमोरल नर्व आपके क्वाड्रिसिप मसल को सप्लाई करती है। क्वाड्रिसिप मसल्स के अंदर क्या आता था, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियालिस, वास्टस लेटरालिस, रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। ये सारे मसल्स जो थे हमने जनाब एक तरह के आपके डिस्कस किए क्वाड्रिसिप मसल्स। उसके बाद ये और किस मसल को सप्लाई करती है, ये जनाब आपके इलियाकुस मसल को सप्लाई करती है, ये जनाब आपके सार्टोरियस मसल को सप्लाई करती है। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया था बच्चों, कौन सा, कि हाँ जी जनाब ऑल मसल्स ऑफ द मीडियल थाई आर सप्लाइड बाय द ऑब्टूरेटर नर्व एक्सेप्ट वन मसल। वो कौन सा मसल था, पेक्टिनियस मसल। तो पेक्टिनियस मसल को कौन सप्लाई करती थी, फीमोरल नर्व, क्लियर है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब जो मैंने कल आप लोगों को बताया था सारे सारे के मसल, ये जनाब इसको सप्लाई करती होती। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब ये जनाब आपकी मतलब के ये क्वाड्रिसिप मसल को सप्लाई करती है, या उसको पेक्टिनियस को और सार्टोरियस मसल को सप्लाई करती होती है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये क्या काम करवाते थे, लेग की एक्सटेंशन करवाता है, ये करवाता है लेग एक्सटेंशन करवाना, इसका काम होता है लेग एक्सटेंशन। तो आपने कहना इसका काम होता है लेग एक्सटेंशन करवाना। और अगर फॉर एग्जाम्पल फीमोरल नर्व आपकी, अगर फीमोरल नर्व की लीजन हो जाए ना, तो इसके अंदर पेटेलर रिफ्लेक्स जो होता है वो वीक होता है। पेटेलर रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या है, एक तरह का वीक होता है, यानी कि आपको लो मिलता है पेटेलर रिफ्लेक्स। तो ये था जनाब आपकी फीमोरल नर्व। अभी मैं इसके अंदर से क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, फीमोरल नर्व के अंदर से, क्योंकि फीमोरल नर्व के अंदर से किस तरह क्वेश्चन आ सकता है अभी हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद लो लेग एक्सटेंशन आफ्टर आफ्टर पेल्विक फ्रैक्चर, विच ऑफ फॉलोइंग नर्व इज इन्वॉल्व। सेम इस तरह ये एक्सटेंशन की बात जो है, ये एग्जामिनर जो होता है ये मोर देन 90% जो होता है ये क्वेश्चन पेपर पूछता होता है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब ये जो आपकी नर्व इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, आपकी एक तरह की फीमोरल नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये आपने बताना है, इसके अंदर आपने क्या बताना है, एक तरह का फीमोरल नर्व। अच्छा जी ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं आपकी नेक्स्ट, कि नेक्स्ट कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। अब हम जो नर्व आपकी डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह की फेबुलर नर्व, कि वो क्या हिसाब होता है इसकी। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ अभी फेबुला वाली, इसमें से क्वेश्चन जो होगा वो आपको हम डिस्कस करते हैं। हाँ इसकी रूट वैल्यू प्लीज लिख लीजिएगा, कि जो आपकी मतलब के जो आपकी फीमोरल नर्व होती है इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो भी L2 से L4 तक होती है, L2 L3 L4 से, ठीक है। ये आपने लिख लेनी है। तो अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सी नर्व है आपकी, पीरोनियल नर्व। ये देखें पिरोनियल नर्व का क्या हिसाब है जी, पिरोनियल नर्व ये वाली नर्व है, यानी कि ये देखें। अच्छा पिरोनियल नर्व के बारे में जब हम डिस्कस करते होते हैं तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि पिरोनियल नर्व की होती है दो, मतलब इसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते होते हैं। क्यों, क्योंकि एक होती है इसकी सुपरफिशियल डिवीजन, एक होती है इसकी डीप डिवीजन। मतलब कि ये जो पिरोनियल नर्व है ना, आप इसी का इसको एक इस तरह करें कि ये जनाब एक तरह का इस तरह दो में डिवाइड कर दें आप। एक क्या होता है, एक तरह की सुपरफिशियल, और दूसरा क्या होता है, एक तरह का डीप। इसका दो तरह का सारा हिसाब होता है, सुपरफिशियल और डीप वाला, ठीक है। अब देखें जो मेन बात आपने याद करनी है, मुझे ये बताएं कि ये वाला हिस्सा जो होता है बच्चों, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते होते हैं, शाबाश, ये वाला हिस्सा कौन सा है आपका, ये बता सकता है कोई बंदा, ये पाल्मर होगा, सॉरी डोर्सल होगा, क्या होगा ये वाला हिस्सा आपका डोर्सम, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, डोर्सम ऑफ फुट, ये क्या होता है आपके एक तरह का डॉर्सम ऑफ फुट। तो जो आपकी सुपरफिशियल होती है ना, जो सुपरफिशियल होती है ये जनाब आपकी डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट दो चीजों को, किसको, एक होता है जनाब ये सिर्फ और सिर्फ आपके वेब स्पेस जो होती है ना, मतलब के वेब स्पेस कौन सी होती है, ये एक बड़ा टो और इसके साथ जो छोटी फिंगर्स जो होती है इसके दरमियान में जो स्पेस होती है, इसको नहीं सिर्फ सप्लाई करता,
सुपरफिशियल, बाकी पूरी आपकी एक तरह की लेग के एंटीरियर, समझ आ रही है मेरी बात को? और इसके साथ साथ ये जनाब डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करता है, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट एक्सेप्ट आपके वेब स्पेस के, ठीक है? आपने कहना है वेब स्पेस है, वेब स्पेस है, कौन सी वेब स्पेस है? आपने कहना है वेब स्पेस जो होती है इसको हम कहते हैं हालुसुस एड सेकंड डिजिट है। ये तो आपका मतलब कि हालुसुस और सेकंड डिजिट है, हालुक्स सॉरी हालुक्स एंड सेकंड डिजिट जो होता है इसके दरमियान में जो एरिया होता है उसके दरमियान में ये सप्लाई नहीं करती सुपरफिशियल। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए बच्चों अगर आप ये खुद देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है आपके एक तरह का डॉर्सम ऑफ फुट, ठीक हो गया? ये वाला हिस्सा क्या होता है आपके एक तरह का डॉर्सम ऑफ फुट। तो इसकी होती है पिरोनियल नर्व की दो ब्रांचेस, कौन कौन सी? एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच, एक होती है डीप ब्रांच। जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है ना इसका काम क्या होता है कि ये जनाब आपके मतलब के ये मुकम्मल तौर पर सारा आपका ये देखे लेग को सप्लाई कर रही है, लेकिन ये वेब स्पेस को सप्लाई नहीं करती होती। किसको सप्लाई नहीं करती? आपकी वेब स्पेस को ये सप्लाई नहीं करती होती। लेकिन जो डीप ब्रांच होती है ना इसका काम पता क्या होता है, ये सिर्फ वेब स्पेस को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? वेब स्पेस। तो अगर और इसके साथ ये टिबियालिस एंटीरियर को भी सप्लाई करती है, टिबियालिस एंटीरियर आपका एक मसल होता है उसको। ये सिर्फ दो चीजों को सप्लाई करती है, किसको? एक टिबियालिस एंटीरियर को और एक वेब स्पेस को, यहाँ पर ये सप्लाई करती है। और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता पिरोनियल नर्व का। और पिरोनियल नर्व और क्या काम करती होती है? पिरोनियल नर्व जो होती है ना बच्चों, पिरोनियल नर्व का काम होता है कि एक तरह का आपका जो फॉर एग्जांपल जो आपका जो पाँव है ना उसको बाहर की तरफ लेकर जाना, इसको हम कहते हैं इवर्जन। इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का इवर्जन। तो ये जनाब आपकी इवर्जन करवाती है और डॉर्सी फ्लेक्शन करवाती है। इसके काम होते हैं सिर्फ दो, कौन कौन से? इवर्जन प्लस डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लस क्या होता है एक तरह का डॉर्सी फ्लेक्शन होती है, मतलब के इवर्जन करवाता है और क्या होती है एक तरह की डॉर्सी फ्लेक्शन होती है। इसको मैं आगे पिक्चर के अंदर भी दिखा देता हूँ। अब देखें फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखना है इवर्जन। अब ये देखें कि एक तरह का फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना ये जनाब आपके पाँव को बाहर की तरफ ये देखें उठा रहा है ना, ये इस तरह पाँव को बाहर की तरफ लेकर, जैसे आप पाँव उठाते हो क्या आप पाँव अंदर की तरफ लेकर जाते हो? आप खुद सोचें कि जब आप पाँव को एक पाँव आपका है तो पाँव को आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो, तो आपका जब पाँव ऊपर की तरफ आप उठाते हो तो पाँव आपका अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ जाता है। बात को समझे कि नहीं समझे? अभी आप अगर खड़े हो तो आप देखोगे कि आपके जो पाँव की जो स्ट्रक्चर है ना, जब आप पाँव एक पाँव जब कदम आप उठाने लगते हो तो पाँव को जब आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हो तो पाँव का उठाने का जो ऊपर की तरफ हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता। तो जब ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इवर्जन कहेंगे। और ये क्या करवाता है? ये डॉर्सी फ्लेक्शन करवाता है, ठीक है? अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये पाँव को एक तरह का क्या काम करवाता था? ये उठाने में हेल्प करता था, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी लीजन हो जाती है तो क्या होता है? ये पाँव उठेगा ही नहीं। जब पाँव नहीं उठेगा तो क्या हो जाएगा? फुट ड्रॉप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या होगा? एक तरह का फुट ड्रॉप हो जाएगा। तो आपने कहना है कि इसकी वजह से फुट ड्रॉप हो सकता है, फुट ड्रॉप हो सकता है। और इसके साथ जब फुट ड्रॉप होगा तो फिर क्या होगा? इसके साथ ये होगा कि जनाब आपका इसका काम क्या होता था? उसका काम क्या होता था? आपकी पेरोनियल नर्व का इवर्जन करवाना। अब क्या होगा जब ये काम नहीं करेगी? इन्वर्जन होगी कि नहीं होगी? इन्वर्जन हो जाएगी। इसका काम क्या था? डॉर्सी फ्लेक्शन करवाना। लेकिन अब क्या हो जाएगा? प्लांटर। क्या हो जाएगा? एक तरह का प्लांटर हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन। कैसे? ये देखें यार, ये पाम ऊपर की तरफ फ्लेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये खुद देख लें, ये पाम प्लांटर सॉरी पाम नहीं प्लांटर, ये प्लांटर जो होता है ये फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है? तो आपने कहना है कि ये क्या हो जाता है? ये दो तरह के काम करता है, कौन कौन से? ये प्लांटर फ्लेक्स करवाता है, ठीक है, और उसके बाद इन्वर्जन करवाता है। ये दो काम करवा देता है जब इसकी अब इसकी एक तरह की लीजन हो जाती है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है बच्चों कि हाँ जी जनाब आपकी ऐसी कौन सी नर्व होती है जिसके अंदर फुट ड्रॉप होता है? तो आपने कहना है कि फुट ड्रॉप, तो आपने कहना है कि आपका जो फुट ड्रॉप होता है वो कॉमन पेरोनियल नर्व की लीजन के अंदर होता है, ठीक है? फुट ड्रॉप जब हुआ अच्छा, है इवन, ये तो उसके बाद जो आपने भी बताया था। फुट ड्रॉप की जब मैं बात कर रहा था, जी, ओके ओके मैं बताता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मैं सारा करवा देता हूँ, सारा कुछ। देखें सबसे पहले ये जनाब आपकी पिरोनियल नर्व है। पिरोनियल नर्व की होती है एक तरह का, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है,
एक होती है सुपरफिशियल और एक होती है डीप, और ये आपकी ऐसी नर्व है जिसमें से क्वेश्चन मोर देन 90% क्वेश्चन के चांसेस होते हैं, इसको नहीं मिस करना, ठीक है। एक होती है डीप, ठीक है। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल जो सुपरफिशियल होती है ना ब्रांच, ये क्या सप्लाई, ये किसको सप्लाई करती है, ये मुकम्मल तौर पर जो आपका पाँव है ना और आपकी जो लेग होती है इसको सप्लाई करती है, लेकिन वेब स्पेस को छोड़ देती है, हालुक्स और वेब स्पेस को, यानी कि आपने कहना है डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है, सप्लाई करती है, लेकिन एक्सेप्ट किसके, हालुक्स और सेकंड डिजिट के अंदर, सेकंड डिजिट के अंदर जो दरमियान में जो स्पेस होती है वेब स्पेस, उसको ये सप्लाई नहीं करती। वहां पर कौन सप्लाई करता है, डीप ब्रांच, और डीप ब्रांच जब वहां पर सप्लाई करती है वेब स्पेस के दौरान, और साथ ही कहां पर सप्लाई करती है, टीबियालिस एंटीरियर मसल को ये सप्लाई कर रही है, टीबियालिस एंटीरियर मसल को ये सप्लाई करती है। अब देखें आपने बच्चों थोड़ा सा गौर करना है, अगर आपसे कोई बंदा पूछता है ना कि पेरोनियल नर्व का जो काम होता है वो क्या होता है, तो आपने कहना है पेरोनियल नर्व का काम होता है कि ये जनाब आपकी इवर्जन करवाती है प्लस आपकी डोर्सी फ्लेक्शन करवाती है। डोर्सी फ्लेक्शन का मतलब पता क्या होता है, देखिए इवर्जन का मतलब, अब एक बार अगर आप सारे खड़े हो सकते हैं तो एक बार खड़े हो, ठीक है, अगर पॉसिबल है। अब आपने देखना है कि जब आप कदम उठाएंगे ना, तो कदम उठाने के बाद आपका जो पाँव जो होगा ना, पाँव का स्ट्रक्चर आपने देखा, तो पाँव आपका ना बाहर की तरफ थोड़ा सा निकलेगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। मतलब कि जब आप फॉर एग्जाम्पल खड़े होंगे ना, तो जैसे आप खड़े होते हैं तो जब आप पाँव उठाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने पाँव उठा कर ही चलना होता है ना, तो पाँव जब आपने उठाना है तो पाँव उठाने के साथ जो आपका पाँव होगा वो जनाब आपका बाहर की तरफ होगा, क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, और इसको हम कहते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये पाँव को उठाने के अंदर काम करता है, समझ आ रही है, यानी कि ये जनाब आपके पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है, और ये इवर्जन करवाता है, और ये डॉर्सी फ्लेक्शन करवाता है। आई समझ के नहीं आई? अब देखें ये पाँव को ऊपर उठाता था, सिंपल। अब देखें फॉर एग्जाम्पल पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है, तो मुझे ये बताएं कि क्या पाँव आपका ऊपर की तरफ उठेगा? शाबाश, जो आपका पाँव होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा? हाँ जी, नहीं उठेगा। तो वो ड्रॉप नहीं हो जाएगा एक तरह का, वो ड्रॉप नहीं हो जाएगा, मतलब कि वो नीचे नहीं गिर जाएगा, उठ तो नहीं रहा तो नीचे की तरफ गिर गया ना, जब कोई चीज उठ नहीं रही वो गिरी गई ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, फुट ड्रॉप। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई, फुट ड्रॉप। अब देखें मुझे
अच्छा जी सॉरी, आप आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर? ओके ओके ओके। तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल कि ये जनाब ना, अब आपको पता है कि ये इन्वर्जन करवाता था और क्या करवाता था एक तरह का, और इवर्जन करवाता था और क्या करवाता था एक तरह का सेक्शन करवाता था, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है तो क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगी और क्या होगा एक तरह का प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगी। तो ये दो काम होंगे, ठीक है। तो ये दो काम आपने याद रखने, और इसको यानी कि जब आपकी इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन होती है, इसको हम एक और नाम भी देखते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसको हम स्टेपेज गेट कहते होते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसका एक और नाम भी होता है स्टेपेज गेट। तो ये आता होता है कि हाँ जी जनाब, स्टेपेज गेट जो होता है ये जनाब आपका किस नर्व की लीजन के अंदर होता है? तो आपने कहना कॉमन पेरोनियल नर्व जब आपकी डैमेज होती है तब होता है। एक और बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि फुट ड्रॉप आप कौन सी नर्व की लीजन के अंदर देखते हो। ये तकरीबन मोर देन 20 टाइम जो है ये क्वेश्चन शायद आ चुका हो। कॉमन पेरोनियल नर्व के अंदर जनाब आप फुट ड्रॉप देखते होते हैं, ठीक है। और आपका जो इसका काम क्या होता है, आपने कहना इवर्जन विद डॉर्सी फ्लेक्शन, ये इसका काम होता है। और ऐसी कौन सी ब्रांच होती है जो कि वेब स्पेस को सप्लाई करती है, आपने कहना है डीप ब्रांच होती है। और ऐसी कौन सी ब्रांच होती है जो कि जनाब वेब स्पेस को सप्लाई नहीं करती, आपने कहना सुपरफिशियल ब्रांच होती है जो कि आपकी सप्लाई नहीं करती होती। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं जी जनाब, इसके जो मोस्ट कॉमन जो चांसेस होते हैं वो आपके फिबुलर नेक पर होते हैं। फिबुलर देखें ये होता पता क्या है, इसका जो मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब किसके अंदर आप देखते होते हो, तो आपने कहना है कि ये मोस्ट कॉमन जो चांसेस जो होते हैं ये आपकी फिबुलर नेक फ्रैक्चर के अंदर होते हैं। जब फ्रैक्चर की बात करेंगे तो वो फिबुलर नेक फ्रैक्चर आएगा। ये भी बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिबुलर नेक फ्रैक्चर ये भी आपका अक्सर एमसीक्यूज आता है कि कौन सी जगह पर फ्रैक्चर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी। तो ये भी आपने बात करनी होती है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि जनाब ये जनाब एक तरह का मतलब फूड ड्रॉप मैंने बता दिया, बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसी मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो मेरे ख्याल में आपको ना बताई हो। अब हम जो नेक्स्ट आपकी जो नर्व डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी टीबियल नर्व क्या होती है, ठीक है। टीबियल नर्व, तो टीबियल नर्व को जब आप डिस्कस करते हैं कि टीबियल नर्व कौन से आप काम करते हैं, अच्छा हाँ सॉरी, उसकी जो रूट वैल्यू है वो याद कर लीजिएगा कि फिबुलर नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो L4-S2 होती है, उसकी रूट वैल्यू L4-S2 होती है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है टीबियल नर्व, और टीबियल नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो L4-S3 होती है। इसकी रूट वैल्यू L4-S3 होती है, ये भी लिख लीजिए L4-S3 इसकी रूट वैल्यू होती है। अब हमने ये देखना है कि टीबियल नर्व जो होती है ये कहाँ पर सप्लाई करती है। जो आपकी टीबियल नर्व होती है ये जनाब आपके सोल ऑफ फुट जो होता है ना मेन, उसको सप्लाई करती है, सोल ऑफ फुट को सप्लाई करती होती है, ठीक है। इसका काम होता है सोल ऑफ फुट को सप्लाई करना। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल जब आप आगे की तरफ मतलब आप खुद सोचें कि जैसे ही ये जनाब आपका मतलब के चलो इसके अंदर आपने एक और चीज देखनी है कि ये और क्या काम करती होती है। जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जाम्पल आप पूरे के पूरे ये सोल को सप्लाई कर रही है, ठीक है, पूरे के पूरे ये सोल को सप्लाई करती है। तो जब हम आगे की तरफ पांव उठाते हैं, तो आप जब आगे की तरफ पांव उठाएंगे ना, तो आपने एक चीज देखनी है कि कौन सा हिस्सा आपका ऐसा होता है जो नीचे की तरफ लगता है और आपका आगे का हिस्सा जो होता है वो ऊपर की तरफ खड़ा हो रहा होता है पांव का। वो अभी मैं आपको पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ, फिबुलर नर्व के बारे में ही आपको अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, अभी आपको पता चल जाता है, एक मिनट बस। देखें ये जनाब इसको ये सप्लाई करती है, ठीक है, टीबियल नर्व। तो आपने जब एक का आगे करना मतलब कि जैसे ही जनाब ये पूरे के पूरे किसको सप्लाई कर रही है, ये सोल को सप्लाई कर रही है, ये होती है। और इसका जो काम होता है ना, इसका काम होता है कि एक तरह की इन्वर्जन करवाना और प्लांटर फ्लेक्शन करवाना। क्या करवाना? इसका काम क्या होता है, इन्वर्जन करवाना प्लस आपका प्लांटर फ्लेक्शन करवाना,
प्लांटर सिलेक्शन करवाना, ठीक होगा, इसका काम ये होता है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल आप खुद सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, ठीक है, कि वो जनाब उसके अंदर सीन क्या होता है, उसके अंदर ये हो जाता है कि एक तरह का अगर इसकी ये टीबियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है जो कि डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि उसके अंदर एक तरह का वो जो बंदा होगा, जो सोल होगी वहां पर वो सेंसेशन फील कर सकेगा, उसकी जो सोल होगी उसके अंदर ये किसी भी तरह की जो सेंसेशन होगा वो फील नहीं कर सकेगा। उसके बाद और क्या होगा, उसकी जो इन्वर्जन होगी वो भी नहीं होगी, और क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन होगी वो भी नहीं होगी। जब इन्वर्जन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आप ये बताएं, फिर जनाब उसकी इवर्जन होगी, उसके बाद उसकी डॉर्सी फ्लेक्शन होगी, डॉर्सी फ्लेक्शन होगी ऐसे बंदे की, समझ आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर इसकी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आपने थोड़ी सी बात को ना गौर करना है, जो अभी मैंने पिक्चर दिखाई है, इस पिक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हैं, ऐसा जो बंदा होगा वो ये टोस के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, सॉरी यार वो नेटवर्क का इशू बन रहा था तो इस वजह से मतलब ये सही आ रहा था, ठीक है। अच्छा ये जो अभी मैंने बातें आप लोगों को बताई थी पेरोनियल नर्व के बारे में, इसमें से सॉरी टीबियल नर्व के बारे में, इसमें से आपको कुछ बात का पता चला कि जो टीबियल नर्व होती है ये पाँव की सोल को सप्लाई करती होती है। सबसे पहला जो इसका काम होता है कि पाँव की जो सोल होती है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सोल आप लिख लें कि इसका काम जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का सोल ऑफ फूड को सप्लाई करना। और दूसरा इसका जो काम होता है कि जैसे ही आप मैंने ये बताया कि ये सोल को सप्लाई करती है तो इस तरह का मतलब के इस अब आप खुद सोचें कि जस्ट इमेजिन करें आप यहाँ पर कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप हैं, ठीक है। अगर आप
नहीं नहीं इधर नहीं है, एक बार ये सुन लो बाद में उधर जाना। अगर ये फॉर एग्जाम्पल आप पीछे सो, आपको आगे से कोई चीज नहीं नजर आ रही, तो आप क्या करते हो, आप अपनी पाओं की एड़ियों के ऊपर खड़ा होकर देखने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? हाँ जी, यानी कि आप एक तरह का मतलब के ऊपर की तरफ जब आपने देखना, तो सेम टू सेम ये जो बंदा होता है, इस बंदे का सोल तो काम कर नहीं रहा होता, तो ये खड़ा कैसे होता है, ये अपनी पाओं की एड़ियों के ऊपर खड़ा होना शुरू कर देता है। इसकी पिक्चर मैं आपको ये दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये करते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ये है क्या। ये देखें ये बंदा कैसे खड़ा हुआ है, ये देखें इस बंदे को आप खड़ा हुआ देखेंगे तो आपको पता लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल तो ये क्या होगा, ये क्यों, क्योंकि इसका जो सोल है वो तो जनाब हो नहीं रहा, ठीक है। और उसके बाद देखें कि ये जनाब कैसे खड़ा है, ठीक है, जब अगर इसकी लीजन हो जाती है तो ये इसके ऊपर, ठीक है। और इसका काम क्या होता था, पाँव को सीधा रखने में हेल्प करता था, लेकिन जब इसकी लीजन हो जाएगी तो इसको तो ये सप्लाई जा नहीं रही, जब सप्लाई नहीं जा रही तो ये बेचारा इसके ऊपर मतलब अपने पाँव की एड़ी के ऊपर ये खड़ा होने की कोशिश करेगा, इसको हम कहते होते। और जब ये ऊपर की तरफ खड़ा होने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन, और इसको हम कहते हैं ये क्या करवा रहा है, एक तरह की इवर्जन करवा रहा है। तो अब आप खुद सोचें, एक बिल्कुल बच्चों वाली बात है, जो कि अब आप मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, बल्कि यहाँ पर आपका काफी ज्यादा हद तक आपके ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने गौर किया है तो। देखें कि अगर हम ये बात करते हैं जनाब आपकी कौन सी नर्व के बारे में, अगर हम बात करते हैं एक तरह की टीबियल आपकी जो है टीबियल नर्व के बारे में, मुझे टीबियल नर्व के बारे में इसका जो फंक्शन है वो तो एक बार बताइएगा कि ये इन्वर्जन करवाती है या इवर्जन करवाती है। शाबाश, जो टीबियल नर्व होती है वो इवर्जन करवाती है या इन्वर्जन करवाती है?